एक LG का 24 इंची सेट है। सर जी, जो इसके अंदर 19 वोल्ट जो सप्लाई देते हैं यहाँ पे, ये सप्लाई इसके पिस्टर पे शॉर्टिंग दिखा रहा था, यहाँ शॉर्टिंग फुल दिखा रहा था। फिर मैंने एक ये फ्यूज लगा है, इस फ्यूज को भी ओपन करके देखा कि कहीं यहाँ पे शॉर्टिंग इस तरफ है या कहीं और है बोर्ड में, तो फ्यूज को निकाला तो तब भी यहाँ पे शॉर्टिंग दिखा रहा था। फिर मैंने ये दोनों के पिस्टन बाहर निकाले, फिर चेक किया तो फिर शॉर्टिंग दिखा रहा था। फिर इसके अंदर सर यही सप्लाई सर 19 वोल्ट इस वाले के पिस्टन पे भी जा रहा था, इस पे भी 19 वोल्ट है, इस पे भी 19 वोल्ट है और इस वाले पे भी 19 वोल्ट है। फिर सर इन कॉइलों पे कोई शॉर्टिंग नहीं थी ग्राउंड के साथ। यहाँ पे पहले दिखा रहा था यहाँ पे 53 ओम, ये जितने कैपेसिटर लगे 19 वोल्ट वाले पे, इस पर 53 ओम और यहाँ भी 53 ओम। फिर उसके अंदर ये सर एक सेल का बना रखा है, ये 4.3 वोल्ट के आसपास सप्लाई देता है ये। फिर इसको मैंने पहले तो सर इसका सप्लाई पे यानी इसके पिस्टर के प्लस और माइनस पे लगाया तो स्पार्किंग कर रहा था, बाकी इधर कोई कुछ वैसा प्रॉब्लम नहीं दिखा। फिर मैंने काफ़ी देर तक चेक किया, उसके बाद फिर इसके पिस्टर पे इधर माइनस और इधर प्लस लगाया, इधर माइनस और प्लस लगाया तो फिर हटा दिया मैंने थोड़ी देर में ही। हटाने पे फिर यहाँ 53 ओम की जगह 100 ओम हो गया, ये 100 ओम हो गया इस वाले पे इन सब पे और यहाँ पे भी 100 ओम हो गया। उसके बाद फिर मैंने दोबारा इस पर टच किया, 2-3 सेकंड के लिए टच किया, पहले तो थोड़े से टच करके फिर हटा लेता था, लेकिन 2-3 सेकंड के लिए जैसे टच किया तो मेरा वायर प्लस माइनस का ऐसा लगा जैसे वायर में से धुआं निकल रहा है। फिर दोबारा हटा के फिर दोबारा टच किया 2-3 सेकंड के लिए, तो सर यहाँ साउंड सेक्शन में सर एक यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ था 19 वोल्ट यहाँ थे, ये कैपेसिटर सर ये निकाल रखा हूँ, ये सर शॉर्ट है। सर मेरे पास कोई लड़का नहीं है, मैं अकेला ही वीडियो बनाता हूँ तो इसलिए मेरे पास ऐसा कोई नहीं है जो मैं इसको चेक करके क्लियर करूँ। बाकी सर ये शॉर्ट निकला। उसके बाद सर यहाँ फिर मैंने मीटर को कंटिन्यू पे लगा के चेक किया तो यहाँ से शॉर्टिंग हट गई थी। फिर मैंने सेट लगाया, फिर सर सेट लगाया तो देखिए ये बैक लाइट ऑन हुई है। और सर जी सर ये ऑन हुआ पड़ा सर। थैंक यू सर।